क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट सज्जाद राई साहब, उनसे मेरी गुजारिश कि जो ऑफिस बेरर्स है इस पे थोड़ी रोशनी डाले ताकि मीडिया को भी पता चले यहाँ पे कौन कौन लोग बैठे हैं। जन वेलफेयर फोरम अशोक जी, जनरल सेक्रेटरी मटन वेलफेयर फोरम अशोक साहब, वाइस प्रेसिडेंट मटन वेलफेयर फोरम इंद्रजीत जी, दीगर मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पर्सन फ्रॉम मीडिया सेल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, आदाब एंड सत श्री अकाल जी। सबसे पहले मैं मीडिया पर्सन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये जमीनी सतह वाली चीजें इनको हाईलाइट करते हैं, इनको उजागर करते हैं, इनके लिए मैं इस फोरम की तरफ से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आज मटन की तवारीख में एक नया बाब शुरू हो चुका है अंडर दिस फोरम, मटन वेलफेयर फोरम। क्योंकि सबसे पहले हम सब इंसान हैं, इसमें भी अल्लाह ताला फरमाता है वह खलक इंसान फिर ऐसे तकवीम या वलकत करम ना, यानी बहुत से आयत है कुरान में जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इंसान को कद्र मज़ अदा की, मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया। उसके बाद दैट इज सेकेंड लेवल, सबसे पहले हम सब इंसान हैं और इंसान के बाद सेकेंड लेवल में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, वो अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले हम सब इंसान हैं। क्योंकि जो इंसान है इंसान को सबसे पहले समझना चाहिए कि मैं इंसान, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं मुझे अंदर को, अंदर की चीज को परखना है, अंदर की चीज को जांचना है, तब मैं इंसानियत को कुछ दूंगा। क्योंकि अल्लाह ने इस पूरी दुनिया में जो चीजें बनाई हैं फोर कैटेगरी में, सबसे पहले जमादात वाली मैसिव ऑब्जेक्ट्स जिनमें जसामत है, दूसरी वाली चीज नबातार, जसामत वाली चीजों में फिर उन्हें नशो नुमा डाला तो बन गए नबातात, और फिर नबातात वाली चीजों में उसने एक ऐसी चीज डाली जिससे वो हरकत किया, हरकत वाली चीज, तो बन गए हैवानात। जैसे जमादात, नबातात और हैवान, तीन किस्म के चीजें इस दुनिया में है, और इसमें से जो सुप्रीम क्रिएटर है, आश्र मखलूकात है, दैट इज मैन, वुमैन, इंसान। इंसान को वो तीन ही चीजें है, जसामत भी है, नशो नुमा भी है और हरकत भी है, लेकिन चौथी चीज जो इसमें डाली गई है वो इंस, इंस से इंसान बन गया, इंस हो गया मोहब्बत प्यार। अगर इंसान में ये इंस प्यार वाली चीज, मोहब्बत वाली चीज नहीं है तो फिर इसको इंसान नहीं कहेंगे। एरिस्टोटल ने कहा, एरिस्टोटल ने कहा मैन इज ए सोशल एनिमल, क्योंकि आया ना वहां से, फिर बन गया सोशल, जब इसको सोसाइटी में डाला गया, अब इसको सोसाइटी में आके इसको इंसान दोस्त बनना, इंसान दोस्त बनेगा, इसके दिल में मोहब्बत होगा, इंसानी दिल होगा, तब इसको इंसान कहा जाता है। कि हम एक प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाए, एक हम तवारीख इस मटन की हिस्से में रकम करें जो पूरे हिंदुस्तान के पूरे दुनिया में एक मिसाल बन के रहेगी कि हमें ये जो मटन जिसको हमने मॉडल लिया सैंपल के तौर पर, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहे कि यहां के लोग इरेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स किस तरह रहना चाहते हैं और किस तरह रहना पसंद करते हैं। इसीलिए इस फोरम को हमने जन्म दिया है, और अब जो ऑब्जेक्टिव है इस फोरम का, डेट इस्लाही, फलाई और तैमीराती काम। कि मटन में इस वक्त हम जानते हैं हमारा जो मुआशरा है बुराइयों की तूफान की लपेट में आ चुका है, हमारे नौजवान मनुष्यात की लतपत में डूब चुके हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, लेकिन तब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी कार आमद हो जाएंगे जब हमारा इसमें रोल हो। अगर हम चाहे हम अपने बच्चों को काउंसिल करेंगे, हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी सलाहियत के मुताबिक
उनको कंट्रोल करें तब तो पॉलिसियां काम हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारे माशरे में ये सिविल जो सोशल इवल्स है इनको कंट्रोल करने के लिए, आपस में मोहब्बत से रहने के लिए, और ए मेन ऑब्जेक्टिव इस मटन में जो हमारे टाइमी राती काम है कि मटन की एक अलग सी हैसियत है, जैसे कि हमारे अशोक जी ने फरमाया, तसव्वुफ ने फरमाया, लेकिन हमें हमेशा पीछे बैक डोर पे रखा गया, बैक लाइन में रखा गया। इन चीजों को उजागर करने के लिए हमने ये फोरम यहाँ तश्कील दी। वो यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर बन सकता है। ये मैं उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ जो इस वक्त हाजिर नहीं है, लेकिन पीछे, क्योंकि ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने एक एनालिसिस किया अपने मटन में, क्योंकि मैं जनरल अवकाफ में दो चार साल रहा, तो मैं एनालिसिस करता हूँ। यहाँ तीन किस्म के लोग रहते, एक किस्म के लोग जो कंस्ट्रक्टिव है, दूसरे किस्म के लोग जो साइलेंट है, तीसरे किस्म के लोग जो डिस्ट्रक्टिव है। ये तीन किस्म के लोग यहाँ रहते, हर जगह रहते। कंस्ट्रक्टिव लोग वो होते हैं जब हमारी मैसेज आएगी बाहर, तो अशोक जी, सजाद साहब, तसुदुक साहब, इंद्रजीत जी अंदर बैठे थे, उनके साथ बहुत लोग बैठे थे हर बरादरी के, उनने कुछ फोरम खड़ा की। तो इसमें कुछ लोग कहेंगे भाई ठीक है, ये आगे आए, हमें इनको अप्रिशिएट करना है, कंस्ट्रक्शन के काम करते, डेवलपमेंट के काम करते, सामाजिक बुराई की बात करते, ठीक है हम इनके साथ हैं। और जो साइलेंट वाले लोग हैं उनके कानों तक बात पहुंचेगी, वो इन्वर्ट रहते हैं, चलो ठीक है क्या करते क्या, और की तरफ कोई दवाजा। और डिस्ट्रक्टिव वो होते हैं जिनको लगा ईगो की वजह से कि अशोक जी आया बन गया चेयरमैन, या सजा साहब आया बन गया प्रेसिडेंट। उनको मैं कहना चाहता हूँ डिस्ट्रक्शन मत करो, तफरीकारी मत करो, इससे नुकसान पहुंचेगा। फिर इस मटन को मैं उनको दावत देता हूँ, आप आइए यहाँ बैठिए, हमारे साथ शाना बशाना मिलाए, और हम उनके साथ, हम उनके लिए ये दरवाजा खुला रखेंगे। जिनको एग्ज काउंसिल में रखा है, एग्ज काउंसिल में हमारे 9 मेम्बरान है, उसमें से हमारे चेयरमैन साहब पहला श्री अशोक जी सदा जी, ये हमारे इस फोरम के चेयरमैन साहब हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट मैं नाचीज आपके सामने, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इस फोरम के वो है हमारे पास सरदार इंद्रजीत सिंह जी, और इसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मिस्टर तसदुक साहब, और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री मिस्टर आशिक हुसैन भट्ट साहब, फिर हमारे यहाँ फोरम के स्पोक्स पर्सन प्रिंस विक्रम जी, पब्लिक सेक्रेटरी मीर मुदसर कादरी साहब, ट्रेजरर अब्दुल रशीद मिजगर साहब, और हमारे लीगल एडवाइजर मिस्टर जुनेद ताहिर पीर साहब। ये है 9 मेंबर जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपना रोल निभाए। इसके जो अदर एग्जो मेंबर्स हैं इस फोरम के, दैट इज मिस्टर अब्दुल रशीद जरगर साहब, मिस्टर सलाउद्दीन गनई साहब, मिस्टर मोहम्मद शाहबान ऋषि साहब, मोहम्मद सईद पर साहब, नासिर शबीर साहब, मोहम्मद इकबाल गनई साहब, भारत भूषण जी, नूर मोहम्मद भट्ट साहब, आदिर रशीद मीर साहब, गुलाम रसूल भट्ट साहब, सरदार मंजीर सिंह जी, सरदार बाजा सिंह जी, मास्टर ओमकार नाथ जी, गुलाम हसन डार साहब, हिलाल अहमद वानी साहब, और फयाज अहमद पटेल साहब। यह एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको इस फोरम में काम करना है। इन अल्फाज से मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप लोग हमें इतना टाइम दे रहे हैं, हमें आपकी लिमिटेशंस भी पता है, लेकिन चूंकि अशोक सर ने बात की, सजाद साहब ने बात की, बिल्कुल मैं इंद्रजीत साहब से गुजारिश करूंगा जो हमारे मटन के एक रिस्पेक्टेबल है, इनसे मेरी गुजारिश, ये भी कम अल्फाज में और अच्छी बातें आपके सामने आ रखे, जोरदार तालियों के बीच। एक नूर ते सब जग उजिया कौन परे को मन, ये गुरु नानक जी का कोल है कि हम इंसान जो है हम सारे एक ही हैं। अब हम मजहब के तौर पर अलग अलग है लेकिन बनी नवा इंसान जो है वो एक ही है। अब हमारा मकसद यही है कि आज हम जागे, थोड़ा देर से जागे, चलो देर आए दुरुस्त आए। हमने जो ये कमेटी आज यहाँ बनाई है, आज पहली बार ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्याद की कमेटी बनी हुई है, और ये मटन के वेलफेयर के लिए बनाई हुई है। आप देखो मटन में जब से मुझे लगता है मैं पैदा भी हुआ हूँ, 65-64 साल हो गए मैं, वैसे का वैसे ही जब मैंने होश संभाला 8-10 साल के बाद वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप देखो हमारे जो हायर सेकेंडरी है यहाँ, उसकी बिल्डिंग जो है पुरानी बिल्डिंग है,
और अकोमोडेशन की प्रॉब्लम बहुत वहाँ पे है। उसके साथ ही आप अपना हॉस्पिटल देख लो, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं है, आजकल उन्होंने उसको चेंज किया है कुछ जो ट्रेनिंग सेंटर है। तो लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रख के हम जो अपनी पूरी सारी एक्टिविटीज़ हैं बनी हुई है इनको वाजे करता हूँ कि हम इनके साथ हैं, जहाँ भी बोले हमें जाने के लिए हम जाएंगे। तो मैं मंडी चेयरमैन मिस्टर अशोक जी सिद्धा, जनरल सेक्रेटरी अशोक कुछ साहब और हमारे प्रेसिडेंट निसार अहमद साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी बोले सोने हाँ।